बने जरूर मत भारे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज सनी अल्ताफ एंड वेलकम टू द व्लॉग। आज हमने जो परफॉर्मेंस है वो सेकंड डे था हमारा परफॉर्मेंस का यूसीबी ऑडिटोरियम में। जंजाल पूरा के नाम से हमारा जो प्ले था वो आप देख सकते हैं। करेक्टर मैं भी बंदर का करेक्टर मैंने परफॉर्म किया है और इसी तरह भी हमारे पास सारी कास्ट मौजूद है। बैक साइड पर देख सकते हैं हमारे पास पीछे इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक बंदे से मिलते हैं, देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं अपने करेक्टर के बारे में, इस प्ले के बारे में। हर बंदे के हम आपको जो है क्या कहते हैं एक्साइटमेंट में बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं। डेढ़ माह की हमने जो है रिहर्सल्स की है, ऑफिस से बहुत बंद में छुट्टियां ली हैं, स्टडीज को थोड़ा सा साइड भी है, तो हर बंदा बहुत एक्साइटेड था इस प्ले के लिए। एंड फाइनली जो प्ले था वो खत्म हो गया, तो हम चलते हैं कास्ट की तरफ। तो व्यूअर्स, हमारे साथ मैम आयशा काशिफ मौजूद है, ड्रामेटिक सोसाइटी की जो पैटर्न है, तो इनसे पूछते हैं कि इनके प्ले के बारे में क्या तासर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि हाल चाल कैसे है? अल्लाह का शुक्र है, आज बहुत खुश हूँ। प्ले बहुत अच्छी, एक सक्सेसफुल इसकी एंडिंग हुई है। आई एम वेरी हैप्पी। तो मतलब प्ले से पहले क्या आपके तासुरात थे और अब कैसे तासुरात हैं आपके? आई वॉज अ बिट नर्वस के बस बच्चे कोई भूल ना जाए, कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन दे टर्न आउट टू बी वंडरफुल आर्टिस्ट और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने परफॉर्म किया है। रियली वेरी हैप्पी। और मेरे करेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? मेरी ऑडियंस देख रही है। इतना कमाल का इसका करेक्टर था कि वो बाकायदा तौर पे एहसास नहीं हो रहा था कि ये एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है। अब मेरे तासुरात ये है कि बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और एंटरटेन करना बहुत आसान होता है, सिर्फ एंटरटेन करना, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेट करना, अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर जरूर काम होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पेट्रियाटिज्म के ऊपर और क्या नाम है इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात जरूर करनी चाहिए। प्ले से पहले मुझे लग रहा था कि नए बच्चे हैं, नए अभी स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम अभी प्ले कर रहे थे, तो वो किस तरीके से पुल ऑफ कर पाएंगे। लेकिन प्ले के बाद मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा प्रोफेशनल एक्टर्स हैं और बहुत अच्छा काम किया, और मुझे लगता है कि आगे भी इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर हम प्ले करेंगे और इंशाल्लाह विल पुल ऑफ इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। और ड्रामेटिक सोसाइटी के साथ ये मेरा पहला प्ले था, तो उसके बारे में बताएं कि मेरा करेक्टर आपको पसंद आया क्या? काशिफ का करेक्टर बता दें कोई फॉल्स। काशिफ का करेक्टर बहुत अच्छा था। इंसानों का किरदार करना बहुत आसान होता है, जानवरों का किरदार करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। उनके एट्रीब्यूट्स देखना, फिजिकल अपीयरेंस देखना, और जिस तरह आप काशिफ का करेक्टर कर रहे थे जो डायलॉग्स भी नहीं थे और एक बंदर का करेक्टर था, तो जिस तरीके से आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स थे, आपके अपीयरेंस थी, जिस तरीके से आप स्टेज यूटिलाइज कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और यार हम बिल्कुल सहमत है यार उनकी बात से। बाकी यार ये बच्चे हैं, हमको इस पर पूरा एतबार नहीं था। अच्छा? लेकिन उसके बाद हो गया, इसने स्टेज पे जाके आग लगा दी यार। इतनी आग लगाई मेरा कमीज जल गया यार। और चलो बहरहाल बहुत जबरदस्त था, बहुत मजा आया, लगा हमें दोबारा करेगा। तो व्यूअर्स, ये हमारे साथ मौजूद है मुनीब भाई, जितना प्ले हुआ है अगर सारा क्रेडिट इनको जाए तो गलत नहीं होगा। ये हमारे प्ले के डायरेक्टर थे। अब ये बताएं कि प्ले के बारे में आपके क्या तासुरात पहले थे कि किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकेंगे, और प्ले के बाद आपके क्या तासुरात हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्रेडिट खुद को नहीं, मैं इन सबको देना चाहूंगा। थैंक यू। अगर मैं अकेला स्टेज पे चला जाता तो ये सब ना होता। ठीक है, ये सबका पूरा पूरा हाल है इसमें। हम जितना लाइक मगर मैंने मेहनत की, मेरे से ज़्यादा इन्होंने किया है। और प्ले के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने दोनों दिन का जितना भी लाइक अपनी एफर्ट पुट की है और वो एक अच्छे रिजल्ट में मिली है हम लोगों को, अच्छा रिएक्शन मिला ऑडियंस का। मतलब कि ये कहना चाहूँगा अगर कमल फातिमा कहूँ कि हमारी मेहनत को फल मिल गया।
सबसे फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा था? मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर लाइक जो मुझे पर्सनली एज ए डायरेक्टर अच्छा लगा और ये सारा लाइक एज ए डायरेक्टर पहले बता दो वो था बंदर का कैरेक्टर मेरा सीरियसली। हाँ, कैमरे की वजह से तो नहीं कह रहा है, मैं कैमरे की वजह से नहीं कह रहा, मुझे सच में ये बंदर का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद अगर ऑडियंस व्यू से मैं कहूँ तो मुझे पठान का कैरेक्टर सबसे अच्छा। अच्छा दूसरी बात मुझे अभी भी याद है, मैं क्लास में था, मुझे लड़की की कॉल आई थी कि नीब आपको बुला रहा है, तो बंदर का कैरेक्टर मुझे देने की पीछे क्या तारीख है ये बताएंगे? अच्छा, शक्ल तो है बंदर की तरह, हरकतें भी बंदर की तरह थी, ये चीजें देखी थी। जितना लाइक में इसको जानता हूँ ना कि इसने पहले बहुत से इस तरह के कैरेक्टर्स किए जो ये अपने से हटके करते हैं। इसने बाबूराव का कैरेक्टर किया, वहां से जब वो कैरेक्टर इसने मैंने देखा ना, पहले मेरा प्लान था बंदर नहीं डालना, ठीक है पहले कि कैसे डालेंगे क्या करेंगे, लेकिन जब क्लिक हुआ ना कि बंदर डालना है, तो ये पहला बंदर था कि सनील है ये कर सकता है, मैं इसको एक दफा पूछ लूँ। तो जब मैंने कॉल करवाई कि उसे पूछो फ्री है, इस तरह फ्री हूँ मैं, 2 बजे ऑफिस होता है, मैंने कहा 2 बजे चला जाए करी, बंदर का कैरेक्टर है करोगे? कहता करूंगा, मैंने कहा डन हो गया। तो इसने लाइक सब कह लो कि इसने ऑफिस की वजह से कम टाइम दिया, लेकिन इसने अपना 100% यार प्ले से पहले वही एक नर्वसनेस होती है हर दफा प्ले करने से पहले, और प्ले के बाद जब आप वो अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको बहुत खुशी होती है। अच्छा आपने आगे जितनी बात करनी अपने कैरेक्टर में करनी है, मदारी के कैरेक्टर में ये मैं कहती सानू बड़ी खुशी होती है जब प्ले चंगा हो जाने थे, ओ चुप करो जी चले जाने आई यूसफ भी, तो मैं कह रहा सी पहले शुरू शुरू च मायूसियां होंदियां ने, लेकिन फिर मायूसियां खत्म हो के जी सिर्फ खुशियां रह जांदियां ने। बंदर जी थानू मैं की दसा, तुसी मेरा जीना हराम कीता होया सी, मैं स्टेज ते जावा सीन करन वास्ते, ए बंदर जी मेरा भांडा खिच रहे ने ते मेरी धोती खिच रहे ने ते मेरा गुस्सा खिच रहे ने, मैं तंग आ गई सी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट प्ले की रिहर्सल्स बहुत अच्छी गई हैं और बंदर जी के साथ भी बड़ा मजा आया है, और प्ले इटसेल्फ में भी हम लोग को बहुत मजा आया है, अभी हमने इतना मजा किया, पार्टी शार्टी किया, डांस किया, हम कुछ खाएंगे, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे आप? कैरेक्टर तो आप लेक कहेंगे ऐसे ही ना, आपका ही है लाइक इतना मजे का, हालांकि इनकी कोई लाइंस नहीं थी लेकिन इन्होंने अपने एक्सप्रेशंस अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी इतनी आवाज से उन्होंने या एग्जैक्टली ऑडियंस को जीत लिया कि यार क्या ही बात। और ये था भी नॉन ह्यूमन कैरेक्टर, बहुत मुश्किल है करना। पंजाबी एक्शन पे क्या चैनल को सब्सक्राइब करें? चल फिर थानू मैं एक गल दसा, हां जी अगर तुसी इस चैनल नो सब्सक्राइब ना कीता ना, अच्छा ते मैं मूली ले के थोड़े पीछे भजांगी तन मार दवांगी। नहीं नहीं एकदम मतलब की है ना, सब्सक्राइब करो वीडियो नु लाइक भी करो और लाइक करो फॉर मी। हां ये सब्सक्राइब करोगे तो मैं थोड़े हस्ते अपने हाथों नाल हलवा बना के लावांगी। यार लिटरली प्ले बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, मेरा पहला प्ले नहीं था परफॉर्म जो मैंने किया, पहले भी 2 प्ले परफॉर्म किए लेकिन ये जो कैरेक्टर था पंजाबी कैरेक्टर था और मेरा एक्शन पंजाबी बहुत अच्छा, और मेरे लिए बहुत आसान था ये परफॉर्म करना, ठीक है, और कॉमेडी प्ले था और बहुत मजा आया, सारी टीम के एफर्ट से ही ये बहुत अच्छा हो। तो ऑडियंस कैसी मिली थी आपको? ऑडियंस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑडियंस को कुछ भी नहीं पता होता सामने क्या हो रहा है, ठीक है, ये हमारा पंच का इंतजार होता है कि कब हम पंच मारे। और तो हमारे पास अब दूसरी हमारे पास जो करेक्टर वो दादी है, इधर सेल्फियां बना रही है, इन्होंने दादी का करेक्टर परफॉर्म किया, तो दादी जी कैसा रहा प्ले के बाद, प्ले मतलब कैसा रहा? करेक्टर में बताऊँ या वैसे ही? करेक्टर में बताए। मैं पुत्र पले था बहुत चंगा रहा, बढ़िया लग्या, जेड़ा मैनू इना तो प्यार मिलिया बहुत चंगा लग्या, वो प्यार था तेरा दादा भी मैनू करदा हुंदा सी। दादी बच्चे भी देख रहे हैं? अच्छा अच्छा, मेरा मतलब सब अच्छा रहा, ते पुत्र पले देख दे रहो ते खुश रहो, ते बच्चा जब रहना था कमाल करता थी बच्चा जब हुआ ते सारा कुछ बढ़िया रहा पुत्र, मैं अपनी 85 साल जिंदगी दे विच आए ना चोना प्ले नहीं किने देखा। इसी एक्शन में आपने बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा बे पुत गल आया आ जड़ा है ना साडा पुत ए दे चैनल नु ओ की कहिए दे सब कराई वो कर दे, बेल दा बटन भी दबा दे, बेल दे बटन नु भी आ दब दियो फड़ के पुत आए। थैंक यू। अच्छा मैंने कैरेक्टर परफॉर्म किया था ये पंजाबी बेटे का जिसको नौकरी नहीं मिलती, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, जो पाकिस्तान के अंदर नौकरी नहीं मिलती उस चीज को मैं रिप्रेजेंट किया था, और ये प्ले 2 दिन का तो बहुत मजे का प्ले था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो क्या भी है ये हमारा पंजाबी ये अबा बना था यार, बहुत अच्छा प्ले रहा आप लोगों ने देखा, और 2 दिन का प्ले था और बहुत ही मजा आया, बहुत ही ज्यादा। और स्ट्रगल कितनी की थी इस प्ले के बारे में स्ट्रगल तकरीबन हमने 20 से 25 दिन की स्ट्रगल थी, बहुत ज्यादा होती है स्ट्रगल,
ठीक है, स्ट्रगल के बाद हमने ये दो दिन का ब्रेक लिया और ये हमारे साथ इनकी बारी इनकी बारी हमारे साथ आ रहे हैं। बलविंदर का कैरेक्टर किया सेक का लेकिन ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਮੇਰਾ ਬਲੂਚ ਕੈਰੇਕਟਰ ਦਾ ਬਲੂਚੀ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਬਲੂਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਮੇਂ ਰੱਖਾ ਹੈ और इस थिएटर के थ्रू इस प्ले के थ्रू एक ये हमने एमिट किया है कि बलूचिस्तान भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। उसके दुख भी वही दुख है, उसके दुख भी मैटर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब वो अगर देखा जाए तो सिस्टम का एक कोड है कि अगर एक मुसलमान मुसीबत में हो या मुश्किल में हो या दर्द में हो तो पूरा पूरी उम्मत मुस्लिम आज यहाँ जाने से ठीक होना चाहिए। तो बलोची भाई भी हमारे अपने भाई हैं, पाकिस्तान का है, मुसलमान है। बाकी स्ट्रगल थी ये 10-15 दिन की, 15-20 दिन की और काफी इंजॉय किया। हम नाज़िम को ये बता दें कि हम सुबह आते थे तकरीबन 9 बजे और रात कितने बजे जाते थे? रात तकरीबन जाते थे 9-10-11 बजे जाते थे। हाँ मैं समझता हूँ कि मैं उनमें से था जिसने सबसे कम टाइम दिया रिहर्सल में, लेकिन पूरी टीम ने अपना पूरा एफर्ट दिया बिल्कुल। और आई थिंक इससे बेहतर जो हमने कल किया जो आज के इससे बेहतर नहीं हो सकता था। बहुत हर एक बंदे ने अपनी फुल एफर्ट दिया, चाहे वो एडी हो, चाहे वो सपोर्टिंग रोल हो, छोटा सा रोल भी हो, हर बंदे ने अपना पूरा टाइम दिया, पूरी कवरेज दी। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस यूडीसी हैज एवर प्रोड्यूस्ड, सो कुडूस। और मेरे बारे में क्या, जब पूछ लगा के पूरा दिन मैं घूमता रहा हूं। तो इस बंदे का किरदार बहुत मुश्किल था, सनीम ने बहुत अच्छे से उसको निभाया, साथ के साथ मिल के आई थिंक कोऑर्डिनेशन वाज परफेक्ट, सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी थी, बहुत फेशियल एक्सप्रेशंस और जिस तरह की इसने आवाज़ें निकाली हैं बंदे की बेहतरीन। तासरात बहुत मुश्किल है, चोर पेट नहीं पकड़ा गया, चोर नहीं पकड़ा गया जी, ठीक है। अच्छा जी, इंटरव्यू हो गया, उन तो उन सारे रोटी भी खाओ, चलो। हाँ बिल्कुल, अभी अभी खाना भी खा लिया हमने, अभी खाना जाओ। और कैलेंडर्स की तरफ से हाँ हाँ आपको ये अभी ओपनिंग सेरेमनी क्या कब जाना है? ये गुजर गए, ये खाली आपकी कृपा। ड्रामेटिक सोसाइटी को ये लाहौर कैलेंडर्स की ओपनिंग सेरेमनी के फ्री पासेस मिले तो अभी जाएंगे बल्ले बल्ले करेंगे। अच्छा हमारे साथ मौजूद है हमने, आप ये बताएं कि प्ले में आपने कौन सा कैरेक्टर परफॉर्म किया है? दीना थी मैं, आई वाज अ क्रिश्चियन गर्ल एंड आई गॉट अ न्यू जॉब, तो मैं मिठाई लेकर स्टेज पे खेल रही थी। आपने मुझे नहीं खिलाई मिठाई? जी वो मिठाई खत्म हो गई थी, सॉरी। अच्छा ये बताएं कि प्ले के बारे में आपकी क्या तासुरात है, मतलब पहले आप जब रिहर्सल कर रही थी तो उस टाइम क्या तासुरात है कि आप किस तरीके से अपना इनपुट दे सकेंगे, प्ले के बाद जब ऑडियंस ने अप्रिशिएशन दी तो उसके बाद क्या आपके रिव्यूज हैं? प्ले के वक्त भी मैं जोई थी बहुत, क्योंकि प्ले बहुत इमोशनल था और प्ले जब हुआ और सबके सामने भी आई क्राइड अगेन क्योंकि प्ले बहुत इमोशनल था। दीना ना चल, दीना एक दिन पहले आके रिहर्सल करना और बहुत अच्छा हो जाना, इनके बारे में एक मिनट, इनके बारे में एक चीज बता दूं, प्ले में जो मतलब करेक्टर था पहले कोई और लड़का परफॉर्म करते लेकिन एंड टाइम पे सिर्फ एक दिन पहले जो था वो करेक्टर गायब हो गया था, तो इन्होंने सिर्फ एक दिन के अंदर जो था अपना करेक्टर रिहर्स करके और अपना बेस्ट दिया। आई रियली अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने, ये शुक्रिया शुक्रिया। मैंने रिहर्सल में बहुत ज्यादा मेहनत की और प्ले में मेरा कैरेक्टर कश्मीरी बहन का था। मेरी बहन के साथ भी साथ क्या हुआ था प्ले में, अगर ये बताएं कि ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया अपने कैरेक्टर को? हां ऑडियंस ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, मैं हम लोग बहुत गरीब दिखाए गए थे प्ले के अंदर और मैं अपने भाई के साथ ही हूँ, जो हमारे माँ बाप देखे तो मेरे भाई ने मुझे बहुत डिपेंड किया और हम लोग बहुत से जगह पे गए, वहाँ पर जाकर हम लोगों ने देखा कि लोग हमारे पास कैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन एट द एंड सब लोग हमारे साथ आ गए थे। प्ले है, प्ले कैसा लगा आपको? प्ले बहुत अच्छी थी, स्टोरी बहुत यूनिक थी, ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए। और मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे, दो मिनट दिखानी पड़ती है। आपका आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा आपने भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी यार, देखो डिफिकल्टी हर जगह भी आती है और ये सारा टीम का हार्ड वर्क था जो यहाँ तक पहुंची है और बहुत एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा प्ले किया है और इन सात वालों ने बंदर बना दिया सर। ये सर आपका प्यार है, आपका एफर्ट, आपका हार्ड वर्क है और सब टीम ने बहुत जबरदस्त किया।
So well done team. I'm proud of you. Thank you so much. Subscribe to the channel, man. Subscribe to the channel, yeah. ये बहुत ही अच्छा किया है. हमारी जो cast, crew वगैरह manage बहुत अच्छी तरह हुआ है. और जो हमारे बंदर साहब हैं, क्या बात है. इन्हें तो फिर कमाल नहीं कर ली स्टेज में, मतलब कि आगे लगा दी पूरा का पूरा. बच्चा जो हो रहा है हमारा, हमारा बच्चा जो हो रहा है. और बाबा हमारा प्ले वगैरह बहुत अच्छा किया, टीचर क्राउड को बहुत पसंद आया है. ठीक है, नहीं कास्ट अच्छी है, बस टाइम पे नहीं आती मेरा तो, और हमारा गला खराब हो गया बोल बोल के कि आप आ जाए, आप ये कर लें, आप ये वो कर लें. Overall, it was a very good experience. So, ऐसी problems होती हैं because it was a huge team. So, it was difficult for everyone. एक दूसरे से interaction and everything. But overall, it was very good. Thank you. अच्छा जमुना. Thank you. Channel subscribe. मैंने अपने सिंधी अंदाज में मैंने सिंधी का character भी लिया. छोटा सा. गला खराब. अरे बाबा सही से चैनल को सब्सक्राइब मारो ना. अरे बाबा सही इस चैनल को जरा सब्सक्राइब तो मारो. हाँ ना, और इनकी वजह से वीडियो को लाइक भी करो सेंड वालो. जनाब हमारा नाम वैसे हम जाते आजम लोर से. हमारा किरदार था मंजूर का, वो बलोच था, बड़े दूर से आया था बलोचिस्तान से. उसका बाल बीवी बच्चा ना सारा बलोचिस्तान था. वो यहाँ पे आके ना जिंजालपुरा में नौकरी और पैसा कमा रहा था अपने बच्चों को भेजने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए. उसका एक भाई शहूर था, उसके साथ रहता था. ये हमारा हुलिया था, अब तो हमने बदल लिया. ये हमारा भाई शहूर था. तो दरअसल हमको एक चीज समझ आनी चाहिए, हम जो प्ले वगैरह करते हैं इसका मतलब होता है ये माशरे के अंदर जो मसले वगैरह चल रहे होते हैं ना, इनको इनके ऊपर बात करना, इनको समझना. हम इसको ऐसे तरीके में कहते हैं ताकि लोग समझ सकें और इसके ऊपर काम कर सकें और बेहतर माशरा बना सकें. सारे ऐसी बात है. मेहनत कितनी की थी प्ले और रिहर्सल में, ये जरा बताएं. जनाब हम कह रहे हैं बहुत मेहनत हुई है, खून पसीना ही करना पड़े. हमने दो हफ्तों के अंदर पूरा तैयार किया है. बड़ा मुश्किल था मगर अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा हो गया. और ऑडियंस अप्रिसिएशन मिली है जनाब. ऑडियंस हमारी तालियां भी बजाती रही और कहके भी लगाती रही है. कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत दुखी हो गया था, हम आंसू भी आए. तो हमें दिल को बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग लोगों को इतना, यानी कि उनके अंदर इतना जज्बा जज्बात उनके साथ खेल सके, हमें बड़ा पावरफुल. मेरे करेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? और जनाब भाई ने बांदर का किरदार किया इतनी मेहनत से. और ये ना ईगो की बात होती है कि आपको ना किरदार में बनना, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए किरदार के. और हमारे भाई ने इतने परफेक्ट तरीके से उसको निभाया है, मैं दादी दे सकता हूँ. बहुत शुक्रिया जनाब. बलोची एक्शन में बोले चैनल को सब्सक्राइब करें. जनाब आपने भाईजान के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना. लाइक पहले करना ना, तो करना ना तो सलीम लाला पहले करेगा तो फिर लाइक करोगे ना, पक्का पक्का करना है. कसाई का बाबा सलीम लावा, उसके बारे में क्या कहेंगे? करेक्टर कैसा था भाई सलीम? जो है ना ये हमारा कसाई था और ये काटता है ठीक ठीक लाना की काटता है, ध्यान रखना है. मैं सिर्फ एक बात ये करूंगा कि क्योंकि आप लोगों की बिल्कुल एक नई टीम बनी और एक नई टीम का फर्स्ट टाइम यहाँ पर आके परफॉर्म करना, एक प्रॉपर थिएटर करना, वो बड़ा मुश्किल होता है. और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से किया है. सब जो करेक्टर्स थे उन्होंने बहुत ही लिमिटेड टाइम में एक बहुत अच्छा जो है वो इस ड्रामे को जो है वो इस ड्रामे में परफॉर्म किया है और सब बहुत अच्छे लग रहे थे, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. और बंदर का करेक्टर के बारे में? बंदर का करेक्टर बहुत अच्छा था. बंदर का करेक्टर बहुत अच्छा था. बंदर की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत अच्छी थी और जो आवाज वो निकल रही थी वो बहुत अच्छी, वो नेचुरल आवाज थी, बहुत आवाज. हाँ ये वाली बिल्कुल बहुत अच्छी यार. प्ले बेहतरीन था और दो साल बाद आए हैं यूनिवर्सिटी में, मजा आया देखने में. इधर ही से ग्रेजुएट है आप? मैं इधर से ही 2018 का ग्रेजुएट हूँ और यूबीसी में अभी जो आपने अंदर आफ्टर शो इंटरव्यू देखा वो उसमें प्ले में मैं वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स में से था. अब चार साल हो गए पास आउट हुए. हमारे सीनियर रखकर पाए लागू वाली बात नहीं, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, मजा किया, मजा आया देख के. सडन इनविटेशन आया है और आए हैं, मजा आया. मतलब आपको अचानक इनविटेशन आया, ये तरीके से आपका टाइम जाया हुआ है? नहीं नहीं, वाकई आए हैं और मजा आया, जो मतलब बात दिल से होती है. थैंक यू सो मच. मजा आया. एंड वो जो आर्ट करेक्टर कर रहे थे नॉन ह्यूमर, जिसमें हाँ जिसमें मतलब आपने बोलना कुछ नहीं है, वर्बली कुछ नहीं बोलना, आपने अपने एक्शंस एक्सप्रेशंस और एक्सप्रेशन और एक्शन आप कितने लाउड होंगे क्या बात. अच्छा मेरा एक पंजाबी फैमिली में मैं छोटी बेटी का रोल प्ले करी थी जिसका नाम है चीनो. अच्छा. मैनू बड़ी मुश्किल हुई पंजाबी, किस मेरी इज वेरी बैड, मैनू पंजाबी इन्नी नहीं आंदी, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की थी ते हम बोलने आ रही है मैनू. और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा भी इतना अच्छा जाएगा. और दिस इज This was my first theater. तो ये फ्रेंड है हमारे मुदस्सिर, ये सिर्फ प्ले देखने के लिए आज इनकी कोई क्लास नहीं थी, क्लास नहीं थी ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. कम से कम डेढ़ घंटे का फासला बाइक पर कवर करके आए कि मैंने प्ले लाजमी देखना है. और अब प्ले के बारे में बताएं, आपका आना जाया तो नहीं गया?
बिल्कुल भी जाया नहीं गया यार, प्ले एकदम इतना ज्यादा औसम था। इनका जो करेक्टर था भंडरवाला, माशाल्लाह हर एक बंदे का करेक्टर जो था वो हर बंदे का परफेक्ट था, मतलब के अमेजिंग। और प्ले थिएटर का जो मैसेज है कि प्ले के बाद मैसेज देना चाहिए, वो जिस तरह से इन्होंने मैसेज दिया यूनिटी का पूरे पाकिस्तान में, मतलब यूनाइटेड रहकर रहना चाहिए, डिवीजंस नहीं होनी चाहिए, तो वो एक बहुत अच्छा मैसेज था। कॉमेडी भी थी, एक फुल फ्लेज प्ले था, बहुत एंजॉय किया मैंने, बहुत एंजॉय किया। और मेरा करेक्टर पसंद आया बंदर। आपका करेक्टर तो यार आप पे सूट कर रहा था बहुत अच्छा, बहुत मतलब मेरी शक्ल तो वैसे ही बंदर जैसी है। ये दादी नहीं नहीं ये क्यों करेंगे, ये तो ऑडियंस के लिए हंसती है। ये हमारी जितनी कास्ट है सारी जमा हो रही है हमारे मीडिया वॉल के सामने पिक्चर लेने के लिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो मिस हो गई थी। तो अब सारे जो है एक दूसरे को आवाज़ें दे रहे हैं, जल्दी आओ एंड पिक्चर क्लिक करनी है मीडिया वॉल के साथ। एंड सबसे मेन चीज़ वो ड्रॉप डाउन जो पूरी यूनिवर्सिटी में हमारी प्रमोशन का एक जरिया था। तो व्यूवर्स ये तो था हमारे डे टू की परफॉर्मेंस और उसका व्लॉग का, आपने देखा तमाम जो कैरेक्टर्स थे उनकी कितनी मेहनत थी इसके पीछे, एंड सब कुछ आपने खुद अपनी आंखों से देखा। जितने करेक्टर्स से हमने उनसे भी मिलवाया, ठीक है, एंड जो हमारे पैटर्न जन जितने हमारे पास कास्ट मेंबर थे, कोई मुझे नहीं लगता मिस हो गया। अगर कोई मिस हो गया वो वीडियो देख रहा है सॉरी फॉर दैट। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। हम बहुत स्ट्रगल अब ऐसे से स्टार्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करता है, इतना एक्साइटेड क्योंकि मेरे जो लहजे हैं ना वो भी अल्फाज भी सीखने नहीं कर रहे। तो सब्सक्रिप्शन करने से जो है ना हमें एक मोटिवेशन मिलती है। तो इस तरह न्यू मज़े मज़े के व्लॉग जो फिर हम आप तक शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।